नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर बोला हमला। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के लोग केवल झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। राम मंदिर को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर कसा तंज। कोर्ट के आदेश पर बन रहा राम मंदिर, वोट की राजनीति कर रही बीजेपी। और कांग्रेस नेत्री व महिला आयोग की सदस्य शशिकांता राठौर का निधन, मॉर्निंग वॉक के दौरान आया हार्ट अटैक। कांग्रेस में शोक की लहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने मंच से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा कि आपने और आपकी पार्टी ने जनजाति वर्ग के लिए क्या किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के चाईबासा से सीधे कोरबा पहुंचे। पहले उन्हें राजधानी रायपुर होते हुए कोरबा पहुंचना था, लेकिन ऐन मौके पर उनके दौरे में बदलाव किया गया। कोरबा पहुंचने के बाद अमित शाह का भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत करते हुए हल भेंट किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ आना उनका सौभाग्य है। यहाँ की जनता ने भाजपा को 15 साल शासन करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि पहले सभी छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन भाजपा ने इसे बीमारू से विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग केवल झूठ बोलते हैं, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं। मित्रों, आज राजीव माता जयंती का शुभ दिन है। इस शुभ दिन पर राजीव माता, मां मडवा, कर्मा माता सबको प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं आज यहां आया हूं तब सबसे पहले छत्तीसगढ़ वालों को ये बताने आया हूं, आपका ये सालों का सपना, ढाई ढाई पीढ़ी की लड़ाई कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य मिले, वो लड़ाई कांग्रेस के अत्याचारों से कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल जी इसके प्रधानमंत्री बने और अटल जी ने छत्तीसगढ़ वालों को छत्तीसगढ़ की भेंट देने का काम किया और हमारा आज का छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने 15 सालों में प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म किया। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या किया? कांग्रेस सरकार ने जनजातियों के लिए क्या किया? उन्होंने कहा कि भाजपा ने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के कामकाज का हिसाब किताब चुनाव में करेगी। नरेंद्र मोदी को अगर 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तो छत्तीसगढ़ में 2023 में बीजेपी की सरकार बनाएं। आम सभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, राज्यसभा के पूर्व सदस्य नंद कुमार साय, पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने भी संबोधित किया। मंच पर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, पवन साय, कोरबा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राम मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया है। वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राम मंदिर बन रहा है जो कि कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती आ रही है और कर रही है। हम छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ, शिवरी नारायण, चंदखुरी जैसे कई मंदिर स्थापित कर रहे हैं। ये यदि कहें तो न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। और उसके ट्रस्ट बनाया गया, उसके संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। यदि राम वनगमन पर्यटन पर पथ बनाने की बात है, हमको कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम बना रहे हैं। बहुत भव्य मूर्ति शिवरी नारायण में
35 फीट ऊंचा राम मूर्ति स्थापना मंदिर के परिसर के सामने और 51 फीट की राम के मंदिर जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है वहाँ हम लोगों ने स्थापित किया है और लगातार ये काम हम बढ़ा रहे हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते, ये वोट के लिए काम कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले की कांग्रेस नेत्री व राज्य महिला आयोग की सदस्य शशिकांता राठौर का 62 साल की उम्र में आज सुबह निधन हो गया। वे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थीं। इस दौरान गाय को पानी पिलाते समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। बता दें कि शशिकांता राठौर इससे पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान संगठन से जुड़े कड़े फैसले लेने के लिए वे जानी जाती थीं। लगभग 4 दशक तक उन्होंने जिले में कांग्रेस की सक्रिय राजनीति की। शशिकांता राठौर के निधन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत व कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योत्सना महंत ने शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। इन 4 सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का कितना भविष्य बनाया है, इसको लेकर डीबी लाइव से विधायकों ने खास बातचीत की। प्रदेश में अब कांग्रेस चुनावी साल पर प्रवेश कर चुका है। 4 साल पूर्ण हो गए हैं। इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ में कितना विकास हुआ है, इसे लेकर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व आदिवासी विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने डीबी लाइव से खास बातचीत की। हमारे छत्तीसगढ़ जो ऐसा राज्य है जो कि जनता का प्यार भरपूर मिला और जनता ने उम्मीद से ज़्यादा सीट चुनाव जितवा के दिया। प्रथम में ही 68 विधायक दिया और किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी सोच रही, वो बना। साथ में सम्मानी हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष परम सम्मान डॉक्टर चरणदास महंत जी को विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व मिला, जो बहुत ही सुंदर ढंग से हर सत्र पे वो चलाते आ रहे हैं और सभी को लेकर चलाते आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ हमारा हमेशा आगे बढ़ते रहेगी उनके नेतृत्व में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधानसभा छत्तीसगढ़ का गौरव के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में साल के दिसंबर में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में सरकार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आम जनों को विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आते ही 6 नए जिलों का गठन भी हो गया है। नए जिले को लेकर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने क्या कहा, देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार के सफलतम 4 वर्ष पूरा हुआ है। इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने जो 6 नए जिले बनाए हैं, जो जिले के विकेंद्रीकरण से जो आम आदमी को जो सुविधा मिली है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। इससे लोग को जो धन व्यय होता था उसमें भी बचत हुई है, उनको त्वरित रूप से उनको काम भी होने लगे हैं। तखतपुर के विधायक रश्मि आशीष सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे वह वादे सरकार में आते ही निभाना शुरू कर दिए। आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के किसानों का कर्जा माफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जैसे अनेक कार्य कांग्रेस सरकार कर रही है। नमस्कार। पंचम विधानसभा के विधायकों की शपथ का कल 4 वर्ष पूर्ण हो रहा है और आपने इस विषय में चर्चा के लिए जो बिंदु रखे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि कांग्रेस को बहुत बहुमत जनता ने दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल हुआ, उसका कर्ज माफ़ी का वादा पूरा होना था और उसको धान का उचित मूल्य मिलना था, जिसके लिए जनादेश किसानों ने दिया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया। और आदरणीय भूपेश बघेल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लगभग जन घोषणा पत्र की सभी बिंदुओं को पूरा करने का उन्होंने जो सटीक कार्य किया है कि आने वाले समय में भी इसका लाभ कांग्रेस को निश्चित तौर पर मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।